करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज डेट है 20 अगस्त 2024, टाइम सुबह के हो चुके हैं 8:25। तो अभी 1 to 8 को कैप्चर करने आया था, थोड़ी देर पहले मैं घर गया हूँ, खाना वगैरह खाया, तो अब 1 to 9 आपको कैप्चर करने के लिए आया हूँ। तो 1 to 9 के साथ वही पुराना इंजन आ रहा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग होता हूँ, वो तो आपको पता होगा जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं ना, उनको फिर मेरी पसंद का पता है कि मुझे कौन कौन से इंजन जो है वो पसंद है। तो बखर से एक मेरे दोस्त हैं, तो उस दिन 80-40 आ रहा था मेरा फेवरेट इंजन, तो उन्होंने फिर मुझे ना ग्रुप में मेंशन किया कि आपका फेवरेट इंजन आ रहा है। तो काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनको पता है कि मेरे फेवरेट इंजन कौन से हैं और कौन से मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो लोकोमोटिव आज 1 to 9 के साथ आ रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि ये
बहुत काफ़ी अच्छे से चलने वाला इंजन है जो कि बिल्कुल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव, बल्कि रिफर्बिश्ड सॉरी, ये इंजन है जी HP 20SE78 जो कि काफ़ी अर्से से लिंक पर चल रहा है। आज वन ट्रेन वर्किंग कर रहे हैं मुल्तान से कुंदिया के लिए। कुंदिया शहर का टॉप स्पीड लोकोमोटिव है जो कि 110-115 की स्पीड इजीली पिक कर लेते हैं। ठीक, गुरबानी सलामा जो छोटा स्टेशन है यानी 5-6 मिनट का फासले में 90 की स्पीड पिक कर सकता है इजीली। तो वैसे मैंने इसकी खुद कैब राइड की नहीं है 77 की, मेरे भाई ने की है, तो उसने फिर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने देखा है। फिर तो वन ट्रेन को कैप्चर करेंगे लेवल क्रॉसिंग थोड़ा आउटसाइड। तो आप सोचते होंगे कि डेली जो है ना सनामा लेवल क्रॉसिंग से ही वीडियो भेजते हैं या सनामा की ही वीडियो भेजते हैं, लोकेशन चेंज नहीं करते ये किसी। मुझे पता है काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन इसके लिए मैं भी मदद चाहता हूँ कि मैंने भी काफ़ी अर्से से जो ना कोई ख़ास ट्रिप लगाया नहीं रेल फैनिंग के लिए, यानी कि कोई रेल फैनिंग के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए कभी शेरशाह मुल्तान या खानवाल किसी भी साइड पर, यानी कि जहाँ आउटसाइड जहाँ पर थोड़ी लोकेशन चेंज हो, यानी कि सनामा वाली वीडियो अपलोड ना हो और भाई जहाँ पर जाऊँ वो वाली वीडियो अपलोड हो, जैसे खाने वाले मिसाल के तौर पर जाऊँ तो खाने वाले से सारे ट्रेन एक्शन कैप्चर करूँ। तो काफ़ी अच्छे से ये मौका मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट इस लिहाज से बना रहा हूँ कि कब जो है अपना ट्रिप प्लान करें हम, ठीक है, और रेल फैनिंग जो है वो करें और अपने व्यूवर्स के लिए न्यू से न्यू अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना कैप्चर करें। ठीक है, बहुत जल्द अभी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी लोकेशन चेंज करने की कोशिश करूँ, चाहे लोकेशन सेम हो लेकिन कुछ नए अंदाज से वीडियो बनाऊँ मेरी कोशिश होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द खानवाल, शेरशाह, मुल्तान, न्यू मुल्तान ये सारे स्टेशन मैंने कैप्चर करने हैं। टोटल जो आपको बताए हैं 4 के 4 स्टेशन ये लाजमी कैप्चर करने हैं। तो न्यू से न्यू वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर आएँगी। तो व्हाट्सएप नंबर मेरे भाई मांग रहे थे व्यूवर्स, तो व्हाट्सएप नंबर आज उनको बताने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये नंबर आपको बताने लगा हूँ, नंबर भी नोट कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 03446607-4348। एक बार फिर सुन लें, 03446074348। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो व्यूवर्स कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका नंबर हमें मिल सकता है या नहीं, तो उनके लिए फिर मैंने ये वीडियो जो है ना बनाई है कि उनको जो है ना फिर मैंने बता दी है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो 129 का भी महमूदपुर से डिपार्चर हो गया है, 8:28 अब हो गए हैं, तो तकरीबन ट्रेन पहुँचेगी सनामा 8:45 पर, 12-13 मिनट लेट होगी, तकरीबन डेली ही लेट होती है, इतना तो ट्रेन इजीली लेट हो जाती है, सेक्शन ही ऐसा है ना। तो मौसम का हाल दूँ आज आपको, तो 2-3 दिन बारिशें आती रही हैं, उसके बाद फिर अब अगेन जो है ना मौसम जो है उसने करवट बदलना शुरू कर दी है, यानी कि मौसम अब गर्म है। ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूँ बस मजबूरन, धूप जो है ना सीधी लग रही है मुँह पर। खैर है, लेकिन आपको पता है इससे भी ज़्यादा गर्मियों का जो मौसम था वो भी हमने जो ना वो दिन भी भुगते हैं। ठीक है, वीडियो बनाई है तो अब ये गर्मी हमें इतना ख़ास कुछ नहीं कहती। ठीक है, तो अभी लाइन क्लियर नहीं मिला 129 को, ये 128 डाउन के लिए सिग्नल डाउन किया गया था जिसको अभी तक अप नहीं किया गया। तो 129 की जब लाइन क्लियर मिलेगा फिर महमूदपुर से चली हुई है गुरमानी तक आएगी तो लाइन क्लियर मिल जाएगा, लाइन क्लियर मतलब एक सिग्नल डाउन कर दिया जाएगा। तो बस मैं चलता हूँ फिर इधर फाटक की तरफ, जैसे फिर 129 को कैप्चर करते हैं HP 20807 के साथ। अब 3 इंजन इधर लिंक पर चल रहे हैं, 80-78, दूसरा रिफर्बिश्ड 80-76 जो कि आज 128 डाउन सकती है, और तीसरा 80-79, तीनों इंजन स्पीडी हैं, 8 नाच पर मुश्तमल है मेरे ख्याल में तीनों। तो खैर देखते हैं 129, आज मैं 129 अब को इसी जगह से कैप्चर कर रहा हूँ। तो लोकोमोटिव की कुरेक्शन कर लें, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 129 के साथ लोकोमोटिव आ रहा है HP 20SE78, लेकिन 80-78 लोकोमोटिव नहीं आ रहा, वो एक भाई ने गलत अपडेट दी थी। तो आज 129 आपके साथ लोकोमोटिव मुल्तान से कुंदिया के लिए वर्किंग कर रहा है HP 20SE45, तो 80-45 के साथ आज 129 आ रही है। देखते हैं फिर इसी जगह से आज 129 पास होते हुए HP 20SE45 के साथ, तो विसल तो बड़ा स्वीटेस्ट है 45 का, अगर किस्मत से ड्राइवर ने बजा दिया तो फिर सुन लेंगे, अदरवाइज़ मुश्किल वाली बात है, यानी कि साइलेंटली ट्रेन पास होगी फिर से। तो थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ मैं, फिर देखते हैं 129 अब, ये सारा बारिश का पानी खड़ा जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है।
इस जगह से फिर पास होते हैं, देखते हैं ट्रेन। आज ट्रेन अभी पिछले फाटक पे आ गई है। 129 और 130 टाउन के साथ अब परमानेंटली जो है 8 को जिस कर दी गई है काफ़ी अर्से से। पहले 12 भी की गई थी ईद के डेज में, लेकिन 12 से फिर 11, 11 से 10, 10 से अब 8 हो गई हैं। अब 8 से जब 5-6 पर आएंगी तो फिर इसके साथ लिंक चेंज हो जाएगा। यानी अब जो HP20 लोकोमोटिव का लिंक लगा हुआ है तो ये लिंक जो है GMC U15 लोकोमोटिव में चेंज हो जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था तो हमें भी उसी लिंक का इंतज़ार है। हम भी थक चुके हैं HP20 देख देख कर। हम भी चाहते हैं कि 129 और 139 साथ GMC U15 का लिंक लगे। अब अस्सी 45 वैसे 6 नाच और 6 ट्रैक्शन मोटर्स दोनों इस्तेमाल है, 8 नाच नहीं है इसके। 6 नाच के आगे ब्लॉक है।